प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये कूलिंग टावर के बारे में है। इसमें हमने कंसंट्रेशन जो हमारे पास जो वाटर का हमारे पास फ्लो रेट है उसको हम चेंज करेंगे और साथ साथ हम जो वाटर को हम हीटअप भी करेंगे उसका हम इफ़ेक्ट देखेंगे कि हमारा जो है वेट बल्ब टेम्परेचर में हमारा हीट के साथ क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट है जिसे हम फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोलते हैं, क्योंकि इसमें पीछे आप दिखाएँ तो इसमें पम्प लगा हुआ है ब्लोअर जो हमारा जो है वहाँ वर्क करेगा और जो हम इससे हीट जो है सक होगी उसमें, ठीक है। और जो है ऊपर से हम वाटर इनलेट करेंगे और यहाँ से जो है इधर हम ये हमारे पास जो हीटर है इसमें हम वाटर हीट करते हैं और ये हमारे पास स्विचेज हैं जिसमें हम 500 वाट और 1000 वाट में हम देख सकते हैं। तो वाटर हीट करेंगे उसके जब हमारा हमने टेम्परेचर जैसे हम देखा था पीछे कि 35 हमारा टेम्परेचर था और 40 था टेम्परेचर हम जब चेंज कर रहे हैं तो साथ साथ हम यहाँ से रोटा मीटर है यहाँ से इसके हम जो फ्लो मीटर भी हम इसका ना फ्लो रेट भी हम चेंज करेंगे 6, 9, 12 इस तरह हम लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो है ऊपर से हमारा वाटर शावर होगा, ये हमारा जो हमारे पास इसकी जो है प्लेट्स हमारे पास हैं इसकी। अब यहाँ से हम जब एयर और जब उसका कॉन्टैक्ट होगा आप इसमें तो उसमें क्या होगा ह्यूमिडिटी जनरेट होगी उसमें, तो हम वो देखेंगे। मतलब हमारा यहाँ से हमने जो ये हमारे पास वेट बल्ब और जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम क्या देखेंगे यहाँ से हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर जो हमारा एटमॉस्फेयर में है, जो हमने पीछे देखा कि 18 हमारे पास ये 22 ड्राई था वेट 18 था, और हमने यहाँ से इनलेट देखा है जब इसमें जब हमारे पास वाटर और जो एयर जो है आप इसमें कॉन्टैक्ट करेगी और जो हम उसको टॉप से हम देखेंगे कि इसका हमारे पास जो है हम मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या आएगा। मतलब इसमें हमने एक तो चीज़ देखी वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और इसमें हम देखेंगे रिलेटिव परसेंटेज ह्यूमिडिटी जो हमारे पास है और इनथालपी का क्या इफेक्ट पड़ता है वो साइकोमेट्री चार्ट से इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा बाद में कि हम ये कैसे इसको जनरेट करेंगे। तो ये हमारा जो इक्विपमेंट था कूलिंग टावर का। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैंने कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस में हमारे पास जो हीटिंग से पहले हमारा जो कूलिंग टावर था उसका हमने एयर इनलेट वेट बल्ब टेम्परेचर हमने देखा कि 19 था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो था इनलेट पे 24 था। जब हमने इसमें क्या किया, जब हमने इसमें जो कॉन्टैक्ट स्टार्ट करवाया तो एयर आउटलेट वेट बल्ब टेम्परेचर जो था 21.5 और एयर आउटलेट ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो था 25। अब हम ये इसको हम 6 लीटर पर मिनट पे चला रहे थे हम इसे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। जब मैंने इसको अब हमारा जो हीटर डिवाइस जो है उसको जब मैंने हीट किया 35 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद जो है इसकी हमने टेम्परेचर जो था उस पर हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर इनलेट पे एयर का हमने नोट कर लिया 6 लीटर पर मिनट, 9 लीटर पर मिनट, 12 लीटर पर मिनट। अब आप देखें कि हमारा जो है इसमें अगर हम फ्लो रेट ज़्यादा कर रहे हैं और हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि एयर का कॉन्टैक्ट जो है हमारे लिक्विड के साथ क्या हो जाएगा, अगर हम जैसे से हम फ्लो रेट इंक्रीज़ करते जा रहे हैं कॉन्टैक्ट कम होता जाएगा, और जो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाली और परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी आउटलेट पर निकाली है वो कैसे निकाली है हम ग्राफ के थ्रू बताऊँगा मैं आपको एन्थैल्पी के बारे में भी। अब आप देखें कि जिस तरह 40 डिग्री सेल्सियस पे हमने काम किया तो हमें पता चला कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं तो हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर की ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस। सो अब हम देखना चाहते हैं कि फार्मूला, तो मैंने इसमें टेबल इस्तेमाल किया, इसे हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट। सो साइकोमेट्रिक चार्ट ही में क्या बताता है, इसके देखें आप देख सकते हैं कि इसके जो है एक्सेसिस पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और इसका जो है ये जो हमें दिखा रही है लाइन जे वाली, ये इस पर क्या है हमारे पास, इसका हमारे पास जो है ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। जब हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर को जो हम अब जब स्केल अप करते हैं तो हमारे पास जो इसमें आ जाता है हमारे पास मीन टू से जो परसेंटेज ह्यूमिडिटी 50-60%, ये ह्यूमिडिटी की लाइन है 60%, और इस तरफ आएँ तो इस तरफ हमारे पास एन्थैल्पी है। तो हम इस साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से एयर की प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर सकते हैं, उसकी एन्थैल्पी रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड कर सकते हैं और हम इसमें ह्यूमिड वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। सो उसके बाद मैंने इसके बाद ग्राफ ड्रा किया। अब ग्राफ में आप देखें कि हमारा 35 डिग्री टेम्परेचर था, तो लेकिन जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर अगर फ्लो रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब देखें, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं 40, तो हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो अब कम हो जाएगी. ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ मेरी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी. तो एंड पे आपको मैं फाइंडिंग एंड डिस्कशन के बारे में बताना चाहूँ थोड़ा सा. कितने टू पैरामीटर्स अनफ होते हैं कि इसे हम एयर स्ट्रीम प्रॉपर्टीज निकालने, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर अगर हमारे पास है तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एन्थैल्पी वगैरह आसानी से फाइंड कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो नेक्स्ट मैं देखूँ कि मास ट्रांसफ़र जो है हमारे पास, एयर जब हम एयर पास करवा रहे हैं कूलिंग टावर से तो हमारा कांटेक्ट हो रहा है वाटर के साथ एयर का, तो हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये काम होता है. और इसमें क्या है, हमारे जो है ह्यूमिडिटी हमारे पास इंक्रीज़ होती है. हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, एयर एब्जॉर्ब हो हीट फ्रॉम दी वाटर. वाटर क्या कर रहा है, वाटर से हीट एब्जॉर्ब कर रही है एयर, उसकी ह्यूमिड एयर ज़्यादा हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना, वाटर से एयर में ट्रांसफ़र हो रही है. अगर हम फ्लो रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी एन्थैल्पी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. अगर हम वाटर का जो है इसमें हम इंक्रीज कर दें टेम्परेचर, तब क्या होगा, जब अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे हमारी ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र अच्छी होगी, एफिशिएंट होगा. तो कंक्लूजन ये निकला हमारा कि एफिशिएंसी डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ये आपको बात समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं. तो ये आज हमने देखा कूलिंग टावर क्या होता है. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कूलिंग टावर इंशाल्लाह इसके हवाले से और भी बहुत सी हम इसकी जो है एफिशिएंसी अप्रोच हम ज़रूर फाइंड करेंगे. तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है. इसमें सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, शेमटो साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफ़र के हवाले से हर क्वेश्चन यहाँ पर इंशाल्लाह होंगे. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने क्लास फेलो के साथ, अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.